सो गाइस जल्दी हमें सैमसंग की तरफ से दो नए स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, जिनका नाम होगा सैमसंग गैलेक्सी A50s एंड सैमसंग गैलेक्सी A70s। बट दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी A50s स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें पंच होल डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल ईयर कैमरा और दोस्तों मोबाइल फोन पर एक्सिनोस 9611 का चिपसेट मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में कब लॉन्च किया जाएगा और किस प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सब कुछ जानने के लिए इंटरेस्टिंग हो तो बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो दोस्तों बात करते हैं मोबाइल फोन के डिजाइन से। तो ऐसे में दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें ग्लास बैक और ग्रेडियंट कलर का यूज मिलेगा, जहां मोबाइल फोन पर ट्रिपल ईयर कैमरे का सेटअप, एक फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मोबाइल फोन के रियर साइड पर मिलता है। फ्रंट साइड की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 6.4 इंच की FHD+IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, जहाँ दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक पंच होल डिस्प्ले मिलेगी। जहाँ दोस्तों डिसअपॉइंट करने वाली बात है कि मोबाइल फोन पर हमें सुपर एमोलेड पैनल देखने को नहीं मिलता है। वही दोस्तों बात करते हैं मोबाइल फोन के हम परफॉर्मेंस की। तो ऐसे में मोबाइल फोन पर हमें एक्सिनोस 9611 का एक पावरफुल चिपसेट मिलेगा, जिससे हम एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी ले सकते हैं। वही दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें 3 वेरिएंट्स में मिलेगा, 4GB RAM + 64GB स्टोरेज, 6GB RAM + 64GB स्टोरेज और 6GB RAM + 128GB स्टोरेज। तो दोस्तों ये तो थी परफॉर्मेंस की बात। अगर हम कैमरास की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें ट्रिपल ईयर कैमरे का सेटअप मिलता है, जहाँ रियर साइड में मेन कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का, जिस पर हमें सैमसंग GW1 का सेंसर मिलता है। सेकेंडरी कैमरा रहने वाला है 8 मेगापिक्सल का, जो वाइड एंगल सेंसर है। थर्ड सेंसर होगा 5 मेगापिक्सल का, जो एक डेप्थ सेंसर रहने वाला है। अगर हम फ्रंट की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 20 या 25 मेगापिक्सल का पंच होल डिस्प्ले के अंदर एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50s स्मार्टफोन पर हमें एक अच्छे कैमरे देखने को मिल जाएंगे। अगर दोस्तों हम बैटरी की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जो फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें टाइप सी पोर्ट और 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक भी देखने को मिलता है। वही आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 Pie सैमसंग की One UI 2.0 भी हमें देखने को मिलते हैं। ओवरऑल दोस्तों मोबाइल फोन पर एक अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस और लॉन्च डेट की। तो ऐसे में दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस हमें 22,000 और 25,000 रुपये के बीच में देखने को मिल सकते हैं। लगभग मोबाइल फोन के प्राइस हमें 23,000 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। वही लॉन्च डेट की बात करें तो दोस्तों अभी तक तो सैमसंग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कन्फर्म डेट सामने नहीं आई है, लेकिन दोस्तों अगर हम लीक्स और रूमर्स की माने तो दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें सेप्टेम्बर के लास्ट वीक में देखने को मिल सकता है। जहाँ मोबाइल फोन पर हमें एक्सिनोस 9611 का चिपसेट, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल ईयर कैमरे का सेटअप मिलेगा। तो दोस्तों मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।